प्रणाम। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशन, ओटीटी के स्टार बन चुके हैं आप एंड मोस्ट स्टाइलिश के मौके पर हम सभी यहाँ पे आप प्रेजेंट हैं, तो बताइए कितने एक्साइटेड हैं मोस्ट स्टाइलिश के अवार्ड को लेकर एंड यहाँ पर भी आप बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं। हालांकि मैंने दो तीन सवाल पूछ लिया आपसे, बताइए कितने एक्साइटेड हैं मोस्ट स्टाइलिश। तो जवाब किसका दूँ मैं पहले? आप कितने एक्साइटेड हैं मोस्ट स्टाइलिश? मैं बहुत ही सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा लोकमत ग्रुप को, हमारे जो मित्र हैं ऋषि को, कि आज का ये जो उनका ये फंक्शन है वो सफल हो, और बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे न्योता दिया कि मैं यहाँ आऊँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके, बहुत दिन हो गए। तो हाय, हाउ आर यू? तो अच्छा लग रहा है जी। ओटीटी के स्टार बन चुके हैं आप, आज की शाम आपको एपिसोड भी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस यही चलते हैं, काम मिलता रहे बस। बन गई धूम फोर, लेकिन स्पेकुलेशंस हो रहा है कि सलमान सर भी आपके साथ होने वाले हैं, इस बारे में क्या कहने वाले हैं? जैसे आदित्य चोपड़ा जी तय करेंगे कि धूम फोर बननी है, उसमें कास्ट कौन होगा वो तय करेंगे, अगर वो जैसे वो तय करे बताएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे, और क्या है। आउटफिट के बारे में अगर, हाँ जी, आउटफिट के बारे में आप बता सके, बहुत ही डैशिंग हैंडसम लग रहे हैं आप एंड ओह थैंक यू, वाइट सिल्वर कुछ बता सके? क्या बताऊं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर स्टाइल इन अ वर्ड? देखिए मेरा मानना है कि यू शुड ड्रेस फॉर द ओकेजन, वी टेंड टू ड्रेस नॉट फॉर द ओकेजन, यू शुड ड्रेस फॉर द ओकेजन। इट वाज अ ब्लैक टाई इवनिंग, सो आई वोर अ ब्लैक टाई एंड आई शोड अप। पीएस 1 का ट्रेलर आया है, आई होप आपने देखा होगा पीएस 1। किस? जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मनी सर की पिक्चर है, ऐश्वर्या भी है पिक्चर में, आई एम वेरी एक्साइटेड, फ्राइडे को रिलीज होने जा रही है, और मैं बस ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उसे जाके सिनेमा घर में देखें। He's a wonderful director. He's one of the greatest directors we have, and I wish him all the best always. Thank you. Thank you. Visual, थोड़ा सा। यहाँ पर visual, थोड़ा सा ये कलर visual लेंगे आपके कम dress। Visual ले लो। अरे क्या बात है? हाँ भाई, अरे सर वापसी में, वापसी में। सर यहाँ पे। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम एट लोकमत स्टाइल अवार्ड्स एंड आई फील अवार्ड फंक्शंस, अवार्ड शोज आर ऑल्सो प्लेसेज वेयर यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड ऑफ कोर्स अवार्ड के नाम में ही है स्टाइलिश, सो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा स्टाइलिश लगने की। यू लुकिंग स्टनिंग एज, थैंक यू। व्हाट वुड यू डिफाइन योर स्टाइल एज इन अ वर्ड? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डिफाइन इट इन अ वर्ड, व्हाट यू बट स्टाइलिश, एनीथिंग कंफर्टेबल, एनीथिंग कंफर्टेबल, या Your outfit is very beautiful. So tell us little about yellow and black ka jo mix up hai. And yeah. You look very beautiful. Thoda sa uske bare mein agar aap bata. So I am wearing this combination for the first time. It's a corset gown. My friends Sohail and Victor have styled me for today, and this outfit is by Elabathon. Yes. A very very happy for him, I think well deserving. Fezu was equally deserving, I think is season mein to yaar sari contestants bahut hi acche the, so koi bhi jeetta acha hi lagta, khushi hoti, so I'm very very happy for Tushar. And what do you want to say about you joining Anupama? I'm not joining Anupama. There have been speculations that you are joining. No, I'm not. Okay, I'm clearing the speculation or whatever, I'm not joining Anupama. Yes. There are 3-4 things in pipeline, you all will know very soon. Thank you. Thank you. वेरी ब्यूटीफुल सारी, तो थोड़ा बहुत अगर आप बता सके कि ये आपका जो स्टाइलिश वाला अंदाज है, अवतार हो क्या कुछ है, साड़ी में आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच, आई थिंक इट्स अ वेरी
very Indianized look. ऐसा कुछ plan करके नहीं पहना है, but I'm thank you for all the compliment that you've been giving me. Stylish दिखना पसंद करते हैं. Of course, it's very, very important to upgrade yourself with every style, every changes, and it's very, very important to make you feel good also all the time. Stylish award है, most stylish award. So according to you, आपके अनुसार पूरे industry में सबसे ज़्यादा stylish किसे मानती है रश्मि जी? आप तो हैं ही, आपके अलावा? I think मेरे मुझे बहुत पसंद है वो I really like Deepika. फिर मुझे दृष्टि भी बहुत अच्छी लगती है. देन देर आर लॉट ऑफ पीपल, यू कॉन्ट टेक वन नेम, बट देर आर फ्यू हुम आई रियली अडोर. थैंक यू. माई आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट ऑल द टाइम, सो आई बिलीव इन चेंजेस. आई बिलीव दैट टू न्यू लुक एज एन एक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I think at the right time come, I will definitely share it. Thank you. But is it true that you are going to be a part of it? Yes, yes, yes. Thank you. Okay. Thank you. Oh no, Rashmi. Rashmi, Rashmi. Sir, sir, sir. Hey, sir. Sir, last one. जग्गू दादा, आपको मोस्ट स्टाइलिश लेजेंड माना जाता है अब, तो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर जब आपको बुलाया जाता है मोस्ट स्टाइलिश लेजेंड? बहुत है यार, मैं दिखा तो मेरे को दे दिया है, ऐसे बहुत है. खाली अब स्टाइलिश मतलब सांस क्या बुलाना चाह रहे तू मेरे को? क्या बोलूँ मैं तेरे को? लेजेंड है आप. अबे लेजेंड वेजेंड तो तेरी आंख में होगा, इन लोग के आंख में है. बहुत अच्छी बात है डार्लिंग. इज्जत दे, स्वच्छ रहे, नाखून वाखून साफ रख, कान के मैल निकाल, बाकी सबकी इज्जत कर, प्यार मोहब्बत से जी. उससे बड़ा स्टाइल ही नहीं ना पंडित जी, तू तो जानता है बेटा. ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, कुर्ता एकदम स्टाइल में है आप. टोपी पहनने वाला तो पहना, तो ना ऐसे ही जा रहा था बहुत दिन के बाद. बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं. थैंक यू मेरी जान. लेकिन यू नो व्हेन इट कम्स टू स्टाइल, आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं आपकी स्टाइलिंग? बिकॉज़ आपकी स्टाइलिंग हमेशा बहुत अलग होती है, तो किस तरीके से आप अपने स्टाइल को डिसाइड करते हैं? स्टाइल को कोई डिसाइड नहीं करता डार्लिंग. जो अभी मूड में आया वो पहन लिया. खाली ये है कि कंफर्टेबल फील करना चाहिए, और अगर धोती बराबर बांधने को नहीं आया तो बेल्ट बांध के निकलना चाहिए. क्या बवा यार, अंदर जाने का भी आ रहा हूँ ना वापिस. आपके अलावा आपको कौन लगता है कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही स्टाइलिश? आप हमें डैनी डांसोंग पसंद. डैनी डांसोंग. हाँ बा, आऊंगा ना वापिस, उसकी बात करते ना. क्या होता कैम शॉप मजा में क्या करेंगे? निकालना एक सर, एक सेकंड आई. कभी कभी मेरी भी तो सुन. आपने भी अच्छी